उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ में 1971 में शहीद हुए शहीद आशिक अली के गांव लुखराड़ा में बीजेपी राज्यसभा सांसद कांता करदम ने शहीद की प्रतिमा का अनावरण किया। इसके साथ ही शहीद की प्रतिमा के अनावरण पर स्वर्णिम विजय मशाल लेकर आर्मी के जवान भी पहुंचे। वहीं गांव में नम आंखों से शहीदों को याद किया गया। शहीद की प्रतिमा के अनावरण के दौरान ग्रामीण भी एकत्र हुए। इसके साथ ही जिले के अधिकारी भी गांव में उपस्थित रहे। वहीं बीजेपी राज्यसभा सांसद कांता करदम से ग्रामीणों ने बच्चों को खेलने के लिए स्टेडियम की मांग की है, जहां राज्यसभा सांसद ने कहा कि बहुत जल्द मांगों को सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। वहीं ब्लॉक प्रमुख बबीता सिंह ने स्टेडियम सहित ग्रामीण क्षेत्र में विकास कार्यों को लेकर राज्यसभा सांसद कांता करदम से बात करते हुए कहा, जहां हमारे गांव में 1971 भारत पाकिस्तान की लड़ाई में एक सपूत खोया है, तो वही विकास कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए सरकार को ज्यादा से ज्यादा कदम उठाने चाहिए। ऐसा है, आप लोग ये देख रहे हैं कि आसिफ अली है ना, उनका अनावरण यहाँ हुआ है। और यहाँ दोनों हमारे भाई वीर जवानों का यहाँ जो शहीद हुए हैं उनका अनावरण हुआ है यहाँ। और यहाँ सभी गांव में वहाँ समर्पित और एक साथ भी होकर भी उनको भी श्रद्धांजलि देने का ये काम किया। 1971 में जो युद्ध हुआ है और जो हमारे वीर सैनिकों ने मजबूर कर दिया घुटने टिकाने पर, उन्हें जो है 93,000 के करीब जो है सैनिकों ने समर्पण करा था उस समय जो है, तो आज उसी के लिए जो है यहाँ पर जो है आ जाए यहाँ पर अनिवारण के लिए ही यहाँ पर। वही शहीद आशिक अली की पत्नी ने आशिक अली की पूरी मूर्ति लगाने की भी मांग की है। NBC न्यूज के लिए हापुड़ से अनिल कश्यप की रिपोर्ट।